साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब यह है कि किसी बंदे को जहनी में एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो तो उसके नतीजे में उसको कोई जिस्मानी बीमारी हो, और सोमैटोसाइकिक का मतलब यह है कि जिस्म में कोई बीमारी हो और उसका असर दिमाग पे हो। जैसे अगर जिस्म में किसी को डायबिटीज हो तो वो डिप्रेशन को, तो वो भी सोमैटोसाइकिक है। इसी तरह अगर किसी को दिल का दौरा पड़े और डॉक्टर उसका इलाज भी कर दे तो वो डिप्रेशन है कि मेरा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। और अगर किसी को कैंसर, तो जितनी तकलीफ कैंसर की होती है उससे ज़्यादा तकलीफ ज़हनी तौर पर होती है कि मुझे कैंसर हो गया है, नहीं डिप्रेशन होती है ना। इसी तरीके से ये जो बीमारी है एडिक्शन की, ये भी सोमैटोसाइकिक है कि जिस्म में बीमारी होती है लेकिन असरात फिर आप देखते हैं कि उस बंदे के दिमाग पे पड़ते हैं। वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, वो फियर का शिकार हो जाता है और इरिटेबल होता है, एंगर होता है, और वो अपने जिस्म की वजह से अपने दिमाग का इस्तेमाल ऐसा शुरू कर देता है जिससे कि खुद भी तंग होता है, दूसरे भी तंग होते हैं। अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके। और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठो। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।